टीएमसी के नेता कुणाल घोष के साथ राजीव बनर्जी की बैठक हुई है। कुणाल घोष की आवाज पर दोनों नेताओं की यह बैठक हुई। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे राजीव बनर्जी, पहले टीएमसी में ही थे, टीएमसी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए थे। पूजा और हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं, राजीव बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में पहले इरिगेशन मंत्री रहे और उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जनवरी महीने में उन्होंने अपने मंत्री पद से और विधायक के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद ही बीजेपी में शामिल हुए थे और फिर उनको बीजेपी का टिकट दिया गया था डोमजोर सीट से। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, चूंकि वो पर्सनली अटैक नहीं करते हुए दिख रहे थे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि फिर एक बार घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये साफ संकेत दे दिए कि कुछ और नेताओं की घर वापसी हो सकती है, लेकिन गद्दारों को फिर एक बार तृणमूल कांग्रेस जगह नहीं देगा। और ममता बनर्जी का कहना है कि गद्दारों को उस लिस्ट में क्लासिफाई किया जाता है जो पार्टी के विषय में या फिर नेताओं के बारे में पर्सनल अटैक करते थे। तो कहीं ना कहीं राजीव बनर्जी हमेशा बचते रहे थे, कोई भी पर्सनल अटैक नहीं किया था। और आज जिस तरीके से कुणाल घोष के घर पर अभी भी वो बैठक चल रही है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि शायद राजीव बनर्जी जो है फिर एक बार तृणमूल कांग्रेस से वापसी कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन ममता बनर्जी का होगा कि आखिरकार वो उन्हें पार्टी में फिर एक बार लौटने देंगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। तो राजीव बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी से वापस अब टीएमसी में जा सकते हैं। इससे पहले मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी आए थे और फिर टीएमसी ज्वाइन कर लिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।